नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं हम महंगाई का ब्रेक फेल। जी हां, लगातार आसमान छूती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही है। इसने लोगों की जेब को काटना शुरू कर दिया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। आपके सामने तीन तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर होगी सब्जी मंडी की, जहां पर पहले भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब लोग सब्जी के दाम बढ़ने की वजह से सोच समझ कर सब्जियां खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर बस स्टैंड की है। दरअसल रोडवेज के किराए में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी कर दी गई है और इसके बाद उन लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है जो कि बस से सफर करते हैं। टोल टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से रोडवेज ने किराए में बढ़ोतरी की है। इसके बाद साधारण बसों में 1 से 1.5 रुपए तक बढ़ गए हैं और एसी बसों का किराया 3 रुपए से 7 रुपए तक बढ़ गया है, यानी अब आपका बस का सफर भी महंगा हो गया है। साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा कर दिया गया है। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़कर 71 रुपए 61 पैसे हो गए हैं और नोएडा में सीएनजी का दाम हो गया है 74 रुपए 17 पैसे। तो हर तरफ से महंगाई का अटैक आम आदमी पर, चाहे वो सब्जियों की कीमत हो, चाहे वो बस का किराया हो, या फिर सीएनजी और पीएनजी के दाम, जिससे लोगों का ट्रांसपोर्ट आवागमन प्रभावित होगा और जिससे लोगों का खाना बनाना भी महंगा होगा। इस तरह से महंगाई की स्थिति है आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल भरी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई का ब्रेक फेल हो चुका है। सब्जियों के दाम, फलों के दाम, इसके अलावा सीएनजी पीएनजी के दाम और इसके चलते जो टोल टैक्स बढ़ा है उसके चलते रोडवेज की बसों का किराया भी बढ़ गया है। साधारण बसों का किराया भी बढ़ गया है और एसी बसों का किराया भी बढ़ गया है। तो हर तरफ से आम आदमी के लिए महंगाई की मार, महंगाई की मुसीबत। तीन तस्वीरों के जरिए हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़ी चीजें क्या हैं जो कि सीधे आपके जीवन पर असर डाल रही हैं महंगी होने की वजह से। सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा है, सीएनजी और पीएनजी महंगी हो चुकी है, टोल टैक्स बढ़ जाने की वजह से रोडवेज के किराए में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। यह है महंगाई का ब्रेक फेल जो हम तीन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बसों के किराए में इजाफा हुआ है, जाहिर सी बात है ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई है और टोल टैक्स बढ़ा है, तो इसकी वजह से रोडवेज के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं तमाम उन आवश्यक चीजों के जिनका आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में निहायत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन पर आप निर्भर करते हैं, जिन पर आपका जीवन निर्भर करता है। सीएनजी के गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है और ये पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार देखी। आईजीएल ने सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए। दिल्ली में सीएनजी अब 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई है और अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहां पर सीएनजी की कीमत 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हो गई। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो। कम से कम मतलब हर चीज महंगाई बहुत ज्यादा अपने उस पर जा रही चरम पे, ये इसके भी दाम बढ़ गए हैं। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बजट हमारा खराब हो रहा है, किचन का भी बजट खराब हो रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलाने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि हम लोग लगातार मतलब सीएनजी महंगी होती चली जा रही है इस वजह से। किचन से ही पूरा घर, सारा पूरा घर का बजट लगा होता है, तो जब पीएनजी भी महंगी है सब कुछ महंगा हो जाएगा, खाना हमारा महंगा होगा तो हमारे पूरे घर का बजट बिगड़ जाएगा। पहले सिलेंडर महंगा हुआ तो ये हुआ कि पीएनजी सस्ती हो गई, अब पीएनजी सस्ती थी अब उसके भी रेट डे बाई डे हर मंथ लगभग बढ़ रहा है, तो इससे हमारे घर का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। यही है कि महंगाई को कंट्रोल करें, मतलब गैस के लिए तो कम से कम, क्योंकि इससे तो जनता का, गरीब जनता का इसी से सारा गुजारा होता है। भाई समस्या बिल्कुल होती है यार, सबको होगी समस्या, समस्या क्यों नहीं होगी यार। कोई चीज़ जो आज हम 2 रुपए में ले रहे हैं, कल 4 में ले रहे हैं, तो समस्या नहीं होगी। आप बताइए सरकार के भैया क्या कहेंगे, देखो उनका नियम है। अब हम सीधा रुख करेंगे नीतीश पांडे का, वो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और क्योंकि ईंधन की कीमतें लगातार ऊपर गई हैं जिससे परेशानी बढ़ी आम लोगों की, जैसा कि अभी आप देख भी रहे थे। तो नीतीश वहां पर बताएंगे कि जिस पंप पर वो खड़े हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल के आज के दाम क्या हैं और वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग, जो कि
लोगों की गाड़ियों में ईंधन भर रहे हैं उनका क्या कहना है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं नीतीश उनका क्या कहना है वर्तमान स्थिति पर? राजेंद्र जी, अगर बढ़ी हुई कीमतों की बात कर ले तो जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उससे आम जनजीवन कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर प्रभावित है। प्रभावित इसलिए कि जब ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल भरवाने वाले नहीं प्रभावित होते हैं, बल्कि इन बढ़ी हुई कीमतों से सब्जी और जो अन्य सामान है खाद्य पदार्थ वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो आप देखिए, एक सीनियर सिटीजन है जो अपनी गाड़ी लेकर पहुँचे हुए हैं और पेट्रोल भरवाने पहुँचे हुए हैं, तो जो कीमतें हैं उससे कितना प्रभावित हो रही है आम जनता? तो भैया हम तो कीमत की वजह से नहीं प्रभावित हैं, मोदी के काम से हम अच्छा प्रभावित हैं। अच्छा, मतलब पेट्रोल की कीमतें आपका प्रभावित है? भाई जब आपको सुविधा दे रहा है तो दाम बढ़ेगा ही। आपको सुविधा मिल रहा है ना, हर सुविधा मिल रहा है, इसलिए हम खुशी हैं। राजेंद्र जी, जरा सा ये कीमतें दिखाना चाहेंगे विशेष, देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए। आज बनारस में 97.6 ये डीजल है 61 जी, आप देखिए, और इसके साथ 106.04 ये पेट्रोल की कीमत है। और जो लोग पेट्रोल भर रहे हैं इनसे भी जान लेते हैं क्या स्थिति है। स्थिति तो बहुत ख़राब है इस समय। पेट्रोल जो भरवाने आ रहे हैं कस्टमर, वो हम लोग से मतलब पूछते हैं कि क्या आप पेट्रोल घटा सकते हैं। हम लोग कहते हैं भाई सरकार कहे है, हम लोग नहीं घटा, मतलब आपसे भी लोग पूछते हैं। देखिए, एक सज्जन हैं और काफ़ी मतलब इनको जो मौसम का प्रभाव भी है और यहाँ पे ये खड़े हैं थोड़ा सा नाराज भी हैं। कितनी बढ़ी हुई कीमतों से क्या प्रभावित है जनता, क्या स्थिति? प्रभावित है सब, प्रभावित पूरा देश भाई परेशान है। आप परेशान नहीं हो क्या? पेट्रोल डीजल भरवाने में पैसा अधिक लगता, आप परेशान नहीं हो? अब देखिए, ये भरने वाले व्यक्ति हैं और इनको भी एहसास है राजेंद्र जी कि जो कीमतें हैं वो बढ़ी हुई हैं। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, क्या स्थिति है भैया? बहुत बुरी स्थिति है, ये क्या होगा, ये पेट्रोल इतना 100+ हो गया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी कैसे चलेगी, क्या होगा, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। खाने पीने राशन की आदमी गरीब जनता क्या करेगी, कैसे, जो डेली कुआं खोदने वाले हैं, डेली पानी पीने वाले हैं, क्या करेंगे? तो बाइक वालों का हाल है, हम आपको जो कार सवार हैं और जो ये माल ढोते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनको इस महंगाई का कितना असर पड़ा है उनके ऊपर ये भी जानेंगे। आप देखिए, एक कार की सवारी करने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। महंगाई, खासतौर पे ईंधन की महंगाई कितना प्रभावित कर रही है? बहुत 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 प्रभावित कर रही है, बहुत प्रभावित कर रही है। हम लोग का तो टैक्सी का काम है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम है, हमारा रेट जो है बराबर 10 साल से वही का वही सीमित है। 60 रुपये का रेट आज 100 के ऊपर चला गया है, बट हमारा जो 12 रुपये का रेट है। ठीक है, टैक्सी चालक जो है नीतीश, वो भी कह रहे हैं कि उनका रेट तो वही है जिस पर वो लोगों से पैसा लेते हैं, लेकिन ईंधन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से उनके चेहरे पर तनाव पड़ा भी जा सकता है। नीतीश, हमारे साथ बने रहिए आप। दरअसल रोडवेज के किराए में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी कर दी गई है और इसके बाद उन लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया है जो कि बस से सफर करते हैं। टोल टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से रोडवेज ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद साधारण बसों में 1 से 1.5 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है किराए में और एसी बसों का किराया 3 से 7 रुपये तक बढ़ गया है, यानी अब आपका बस का सफर भी महंगा हो गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान आया है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का किराया नहीं बढ़ा है। मंत्री जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का किराया नहीं बढ़ाया है। अभी तक की जानकारी में यूपी बसों का किराया नहीं बढ़ा है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री का बयान हम आपको बता रहे हैं अभी। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, यूपी रोडवेज का किराया नहीं बढ़ा है, देखिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ, अभी तो कोई किराया नहीं बढ़ा है, अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है। आप ये देखिए कि जब 60 रुपया लीटर डीजल था तब जो है बसों के जो किराए थे वही आज भी उतने ही किराया है, लेकिन अभी परिवहन निगम ने कोई अभी बढ़ाया नहीं है। देखिए मंत्री जी कह रहे हैं कि जब 60 रुपये लीटर डीजल था तब भी वही किराया था और अभी भी हमने कोई किराया बढ़ाया नहीं है, संकेत भी दे रहे हैं वो और ये भी कह रहे हैं कि अभी कोई किराया नहीं बढ़ा है। अभी तक की जानकारी, मंत्री का बयान है, परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक उनकी जानकारी में कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। साथ में वो ये भी तर्क देते हैं कि 60 रुपये लीटर जब डीजल था और उस वक्त जो किराया था अभी तक की उनकी जानकारी में वही किराया है,
वो संकेत भी दे रहे हैं इस बयान में कि क्या हो सकता है। नीतीश पांडे के पास चलेंगे इस वक्त हम। नीतीश, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश रोडवेज का किराया नहीं बढ़ा है, असल में स्थिति क्या है? क्या आज आपने परिवहन निगम की बसों में बढ़े किराए की जानकारी आपको मिली है? क्या लोग इस बारे में कुछ कहते दिखाई दिए? राजेंद्र जी, अगर बनारस और बनारस से जो बसें प्रयागराज और गाजीपुर की ओर जाती हैं, उनमें तो 2 रुपए किराए की बढ़ोतरी है। जो आम जनता से हमने बातचीत भी की है और आम जनता के साथ जो रोडवेज के अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं, खासतौर पे अगर प्रयागराज की बात कर दें तो वहाँ पर टोल टैक्स जिस तरह से बढ़ा है, तो जो किराया है वहाँ पर 2 रुपए की बढ़ोतरी, और गाजीपुर की सवारी करने वाले जो यात्री हैं उनको भी 2 रुपए का भार वहन करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जनता ये पुकार रही है, जनता ये कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार कहीं ना कहीं किराए में कमी करो, हमारी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि जिस तरह से यह वाराणसी और प्रयागराज की बात अगर पहले कर लेते हैं, तो बनारस और प्रयागराज की ओर जाने वाले जो यात्री हैं वो रोजाना बहुतायत संख्या में है, क्योंकि एक तरफ दोनों का धार्मिक परिवेश एक, और यहाँ से प्रयाग में स्नान करने के लिए भी लोग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 2 रुपए किराया अगर कुछ ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो जो आम जनता है प्रति व्यक्ति अगर 2 रुपए का भार ग्रहण करती है तो निश्चित तौर पे परेशानी होना लाजमी है। वहीं गाजीपुर की बात कर लें तो गाजीपुर की जनता शाम को गाजीपुर से बनारस से गाजीपुर जाती है और सुबह गाजीपुर से बनारस आती है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी 2 रुपए का भार पड़ रहा है। अपने जेब और इसके साथ ही अपने बहुत सारे खर्चों में कटौती करके आना और जाना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि टोल टैक्स के भार के कारण जो वाराणसी रोडवेज ने यह निर्णय लिया है क्या वो वापस लेते हैं, या फिर जो मंत्री जी कहते हैं उनको अभी जानकारी नहीं है, आगे अगर उन्हें जानकारी मिलती है तो वो भी इस पर कुछ अपना आदेश देते हैं कि गाजीपुर वालों को भी राहत मिल जाए और प्रयागराज जाने वालों को भी वाराणसी से राहत मिल जाए, तो क्या उनका भी कोई आदेश आ जाता है? फिलहाल जो अपडेट है, जो सच है, वो यही है कि वाराणसी से प्रयागराज और वाराणसी से गाजीपुर की ओर जाने वाली रोडवेज बस का किराया 2 रुपए महंगा है। राजेंद्र नीतीश जो आप बता रहे हैं इसके अलग बयान दे रहे हैं परिवहन मंत्री। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनु शर्मा भी जुड़ गए हैं, उनसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। सनु जान, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और इस बीच में हमने कई बार इसका रेट रिवाइज होते हुए देखा, और कुछ दिनों पहले की जो सीएनजी की कीमतें थी उससे बहुत अलग कीमतें अब नजर आती हैं, बढ़ी हुई नजर आती हैं। क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, ताज़ा जानकारी तो ये है कि जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम पिछले कई दिनों से बढ़े नहीं हैं, लेकिन सीएनजी के दाम भी बढ़े हुए हैं। तमाम महंगाई है, लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं मेरठ के एक सीएनजी पंप पर हूँ और सीएनजी के सबसे पहले आपको रेट दिखा देता हूँ। सीएनजी के आप रेट देख लीजिए, 76.90 रुपये इसका रेट है। पहले कम था लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 76.90 रुपये हो गया है। लोगों की कहीं ना कहीं जेब ढीली हो रही है, उन्हें उम्मीद नहीं थी, सीएनजी की गाड़ी शायद इसी उम्मीद में ली थी कि पेट्रोल डीजल से महंगी पड़ती है, ज्यादा वाहन चलता है, शायद उनकी कहीं ना कहीं जेब कटने से बच जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये भी लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसी रफ्तार से पीछे पीछे जो सीएनजी है वो भी रफ्तार पकड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, जो सीएनजी यहाँ पर डलवाने आए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सीएनजी डलवाने आए हैं आप यहाँ, महंगी हो गई है? हाँ जी सर। कितनी दिक्कत है यार? काफ़ी दिक्कत आ रही है सर, टैक्सी लाने में तो बहुत दिक्कत है अभी हमको। अच्छा। कुछ ही नहीं बच रहा है। अच्छा, आप कुछ नहीं बच रहा? अच्छा, टैक्सी चलाते हैं? जी सर, टैक्सी है। अच्छा, पहले और अब में कितना अंतर हो गया? पहले अब में तो सर आधे आधे का अंतर है पूरा। उम्मीद नहीं थी इतना बढ़ेगा? नहीं सर। नहीं तो देखिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भी दाम बढ़ गए? हाँ जी सर, बढ़ गए हैं। सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं तो इससे दिक्कत तो होगी ही, महंगाई इतनी हो गई है तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन जैसे आपने सीएनजी ली थी कि भाई ये तो कम दाम रहे, वही सोच के सभी लेते हैं कि भाई चलो अपने बजट में आ जाएगी। अब इसके भी दाम ऐसे ही जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, तो परेशानी तो होगी ना आम जनता को, फर्क पड़ेगा, महंगाई इतने सब कुछ बढ़ गई है तो। खाली सीएनजी, पेट्रोल ही और चीजें भी सब चीजें महंगी हो गई है, सबका ही बजट खराब हो चुका है, चीजें तो सभी महंगी हो गई है। मेन रसोई तो आप ही को संभालनी पड़ती है, तो रसोई का भी बजट गड़बड़ा रहा है, सब कुछ होता है, वो तो सभी बता दिया है मैंने, सभी महंगा हो गया है। महंगी है, तमाम परेशानियां। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा, सीएनजी डलवाना है, कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही मेरे भाई, इतने दाम बढ़ रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते। 76.90 रुपये हो गए आज जी, जैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं उसी तरह इसके पीछे पीछे ये भी बढ़ते जा रहे हैं जी।
दिक्कतें बहुत दिक्कतें तो हुई थी मेरे भाई, कहाँ से इतना आदमी, ये तो बताइए। सीएनजी तो इसलिए ली थी मैंने भाई, थोड़ा सा कम उस पर हो जाएगा काम, लेकिन सेम वही आ रहा पेट्रोल डीजल का हिसाब ही। अच्छा, जब आपने ली थी तब कितना सीएनजी का रेट था और आज की बात करें तो 56 रुपये था जी। 56 से जी 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 अब 76 हो गया। लग रहा है आपको और बढ़ेंगे? हाँ लग रहा है जी, मुझे तो इस हिसाब से बढ़ते जा रहे लग रहा मेरे भाई, बढ़ते जा रहे हिसाब से लग रहा है। ठीक है सनुज, देखिए एक साहब ने बताया कि जब उन्होंने गाड़ी ली थी सीएनजी की तो उस वक्त 56 रुपए के तकरीबन कीमत थी सीएनजी की, जो अब लगभग 77 रुपए हो चुकी है। और वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में जो एवरेज बैठता था चलने का, जो कॉस्ट आता था, लगभग अब वही सीएनजी में भी आ रहा है। यानी जो सोच के सीएनजी की गाड़ी ली गई थी वो सोच फिलहाल अभी फिलहाल कामयाब नहीं दिखाई दे रही है इन बड़ी कीमतों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नीतीश और सनुज, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि पेट्रोल पंप पर और सीएनजी पंप पर स्थिति क्या है, लोग बढ़ी हुई कीमतों से कैसे जूझ रहे हैं और कैसे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। और लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि उनका जीवन प्रभावित हुआ है, चाहे वो टैक्सी चालक हो या गृहिणियाँ हो या फिर आम लोग हो, नौकरी पेशा लोग हो, सभी ये मान रहे हैं कि महंगाई ने और लगभग हर क्षेत्र में बड़ी महंगाई ने उनके जीवन को बड़े बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और अब बात करेंगे उस खबर की जो एबीपी गंगा पर चली तो हड़कंप मच गया। दरअसल बुधवार को एबीपी गंगा ने दिखाया था कि कैसे बिजली विभाग ने उत्तर प्रदेश के 66 प्राइमरी स्कूलों की बत्ती गुल कर दी थी। और जब यह खबर एबीपी गंगा ने दिखाई उसके बाद आनन फानन में बिजली बहाल करने के आदेश दिए गए और इसके बाद गुरुवार को सभी स्कूलों में बिजली बहाल हो गई। यह है एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। परिषदीय स्कूलों की बिजली व्यवस्था बहाल करने की शुरुआत हो गई है। जिया मऊ और भीकमपुर स्कूलों में बिजली व्यवस्था बहाल भी हो गई है। कई और स्कूलों के बिजली कनेक्शन जुड़े हैं। एबीपी गंगा ने परिषदीय स्कूलों में बिजली काटने का मुद्दा उठाया था। शैलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ था, सीधा जुड़े हुए हैं। शैलेश, जिन्होंने यह खबर आप तक पहुंचाई, जिन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री से इस बाबत सवाल भी पूछा, हमें यह जानकारी देने के लिए जुड़े हैं कि एबीपी गंगा इम्पैक्ट क्या है, किन स्कूलों में बिजली बहाल हुई है और आगे क्या योजना है इन परिषदीय स्कूलों की और बिजली विभाग की। कहां कहां शैलेश अभी और बिजली बहाल होना बाकी है? देखिए 66 स्कूलों में बिजली तत्काल बहाल करने के आदेश तब दिए गए जब एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आप को मैं बताऊं राजेंद्र, अपने दर्शकों को बताऊं कि आप विश्वास कीजिए, इनमें ऐसे स्कूल भी है जिनमें फरवरी 2021 से बिजली कटी थी, यानी एक साल से ज़्यादा वक्त हो चुका था वहाँ पर बिजली कटे हुए। जब बिजली कनेक्शन हुए और तह में चीज़ें सामने आई तो पता चला, तो एक साल से जहां बिजली नहीं थी वहां पर भी आज बिजली कनेक्शन हो गया। भीकमपुर का जो प्राइमरी स्कूल था जहां कल एबीपी गंगा की टीम पहुंची, दिखाया कि किस तरह से तार कटी हुई है, बच्चे पसीने से तर बतर हैं, तो उस तस्वीर को दिखाया। और उसके बाद में जब शिक्षा मंत्री से इस पर बात की गई, उन्होंने तत्काल बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। तो आपको बताएं कि आज अवकाश का दिन है, लेकिन अवकाश के दिन खुद बिजली विभाग के जो इंजीनियर थे उन्होंने संपर्क किया शिक्षा विभाग के लोगों से, स्कूल की शिक्षिका से संपर्क किया गया और छुट्टी के दिन कहा गया कि हमें बहुत दबाव है, आप स्कूल आइए, हमें बिजली का कनेक्शन करना है। यानी ये असर है एबीपी गंगा की खबर का कि तत्काल इन बच्चों के लिए कम से कम आंखें खुली जिम्मेदारों की और बिजली कनेक्शन हुआ। जिया मऊ का स्कूल जो मुख्यमंत्री आवास से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर होगा या शायद 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी हो, वहां पर भी अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले बिजली काट दी गई थी, लेकिन वहां पर भी अब बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है। तो ये दो स्कूल तो हम देखिए सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री आवास के पास का है तो दूसरा बेसिक शिक्षा निदेशालय के पास का। बाकी के जो 64 और स्कूल है वहां पर भी बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्रवाई जारी है। और आप ये समझ सकते हैं कि असर जो है इस तरह से कि आज अवकाश के दिन जिस समय सब बंद है, सबको पता है स्कूल भी बंद है, बच्चे भी नहीं है, शिक्षक भी नहीं है, ताले खुलवाए गए और वहाँ पर बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कनेक्शंस को जोड़ा गया है। तो ये बहरहाल एक अच्छी पहल, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कार्रवाई बनती है उन लोगों पर जिन्होंने ये गलती की थी। अगर एक साल से एक सरकारी स्कूल में बिजली नहीं है तो हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई तो बनती है। खाली बिजली व्यवस्था बहाल करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। और देखिए जब हमने शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने एक बात बताई कि बिजली के लिए तो पेमेंट किया जा चुका है विभाग की तरफ से, इसके बावजूद ये बिजली कैसे काट दी गई, ये बड़ा अपने आप में एक सवाल उठता है। तो ऐसे में अगर समन्वय की कमी है तो उसके लिए भी जो लोग लापरवाह हैं जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, लगभग ये मानकर चलिए कि शनिवार तक
इन 66 में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली की व्यवस्था बहाल ना हो, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि आज ही चाहे शाम तक ही सब जगह बहाल कर दी जाए, लेकिन कल भी क्योंकि गुड फ्राइडे की वजह से स्कूलों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में ये जरूर है कि शनिवार को जब स्कूल खुलेंगे तो इन 66 स्कूलों में बत्ती भी जलेगी, पंखे भी चलेंगे और बच्चों को रुमाल लेकर पसीना नहीं पहुँचना पड़ेगा, किताबों को पंखे की तरह हवा के लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया कि कई स्कूलों में पानी का संकट हो गया था क्योंकि बिजली नहीं थी, मोटर नहीं चल रही थी, इसलिए पानी तक नहीं मिल पा रहा था, पीने का छोड़िए हाथ धोने के लिए पानी नहीं। शलेशा, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं और एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई है उसका सकारात्मक असर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि कैसे यह असर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज में भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। जूसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी, जिसे एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने तोड़वा दिया। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई। इसके बाद डीएम संजय कुमार खत्री ने देर रात ही अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तोड़वा दिया। सड़क तोड़े जाने के बाद गंगा का प्रवाह दोबारा शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासनिक अमला अवैध खनन की घटना से इनकार कर रहा है। हमने खबर दिखाई, उसका असर हुआ। डीएम यानी प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने जो अवैध सड़क बनाई गई थी उसको तोड़वा दिया रात को ही। गंगा की धारा जो बट गई थी, जो बिखर गई थी, वो फिर से अपने पुराने प्रवाह को प्राप्त करे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये देखिए आप, कल कैद में थी गंगा, ये देखिए आप कैसी सड़क बनी हुई थी और अब आप देखिए कैसे इसको तोड़वा दिया गया। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद एबीपी गंगा पर जब यह खबर चली, जब गंगा की कैद धारा को हमने आपको दिखाया, जब हमने सवाल उठाया, तो उसके बाद रात को ही जिलाधिकारी के आदेश पर इस सड़क को तोड़वा दिया गया जो गंगा की धारा को प्रभावित कर रही थी, उसको बांट रही थी। तो कल गंगा कैद में थी, जब एबीपी गंगा पर खबर चली तो गंगा आजाद हुई। गंगा की धारा को कैद करके सड़क बनाई गई थी और देखिए उसे कैसे, हमारे खबर दिखाए जाने के बाद, प्रश्न उठाए जाने के बाद, कैसे उस सड़क को तोड़वाया जिलाधिकारी ने। प्रयागराज चलते हैं और मोहम्मद मोइन से जानते हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है इस अवैध सड़क को तोड़वाने की, इसके बारे में उनके पास क्या जानकारी है। मोइन, देखिए राजेंद्र जी, आपको बता दें कि एबीपी गंगा का बड़ा असर हुआ है खबर का। हमारे प्रयागराज में खनन माफियाओं द्वारा जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कही जाने वाली गंगा नदी की धारा को कैद कर उस पर सड़क बनाए जाने के मामले में कार्रवाई हो गई है। हमने कल पूरे दिन इस खबर को दिखाया था और देर रात डीएम के आदेश पर कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खनन माफियाओं द्वारा बनवाई गई सड़क को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, जिन सरकारी महकमों के लोगों की लापरवाही है या उनकी मिलीभगत है, अभी तक उन्हें चिन्हित भी नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इसके दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो जो अधिकारी हैं वो खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में तो आए, डीएम ने इस मामले में संज्ञान जरूर लिया, लेकिन सड़क तोड़ दी गई। लेकिन सवाल यही है कि जो दोषी लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, तो ये एक अहम सवाल अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मोइन, ये सवाल है और ये सवाल हम आगे भी उठाते रहेंगे कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई कब होगी।